अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दिलशाद कादरी। हमेशा आप मुझे देखते होंगे, कभी ना कभी मैं किसी प्रोटेस्ट में या फिर किसी हक के इशू को उठाकर या आपके किसी इशू को उठाकर बोलते हुए आपने मुझे ज़रूर सुना होगा। मगर आज मैं आपके सामने अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर DDC इलेक्शंस का दौर चल रहा है। बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस हो चुके हैं और हमारे मेंडर के अंदर जो मनकोट, बालाकोट, मेंडर ए, मेंडर बी, मेंडर सी हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे पास बुनियादी हक नहीं है। आप देखिए, मैं रोड की बात करूं तो आज अगर जैसे ही हम मेंडर में BG पहुंचते हैं तो जैसे ही हम वहां पे जो झटके लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हम मेंडर पहुंच चुके हैं। ये रोड्स की हालत पूरे मेंडर में यही है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 24 आवर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं आती है, मगर जो आती है उसमें भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं और कहीं जगह पे अगर बारिश की एक बूंद भी गिर जाए तो बहुत दिनों के लिए बिजली गायब हो जाती है। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ का हाल ये है कि देखिए, कोविड के दौरान भी जो वेंटिलेटर्स थे वो फंक्शनल नहीं हो सके और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे हैं। अगर हम पानी की बात करें तो मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे किस तरह लोग आवाज़ उठाते हैं कि आज भी 5-5 किलोमीटर दूर पैदल चल के औरतें जो हैं वो पानी के लिए जाती हैं। अगर हम इसकी यूथ की बात करें तो पूरे मेंडर में 70 साल आज़ादी के बाद भी स्पोर्ट्स स्टेडियम की ना तो मांग की गई और ना आज तक कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम मेंडर में दिया गया। तो ये सारे जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जिन इश्यूज पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन जो बच गया, एजुकेशन की बात आप देखिए, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, इन सारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वो पढ़ने के काबिल नहीं है। आज जितने भी ये मुद्दे हैं, इतने सालों के बाद भी अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए तो हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल क्या करते रहे। आज अगर कॉम्युनल पॉलिटिक्स या फिर आज अगर कास्टिज्म की पॉलिटिक्स हमें इन सब चीज़ों पर, अगर इन मुद्दों पर बारी पड़ती है तो बहुत अफसोसनाक बात है। यहाँ पर हमेशा गुज्जर पार्टी की बात होती है। जब भी कोई इलेक्शन हो, सारे मामलात गुज्जर पार्टी पे आ जाते हैं। मैं आप इन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि खुदारा आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को देखिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबे में कहा कि किसी को किसी पे फौकियत नहीं है, उनके लिए सब लोग बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, काला हो, अजमी हो, अरबी हो, कोई भी हो, उनके लिए सब बराबर हैं। इसलिए आप ये काम मत करें। ये काम ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना कोई गुज्जर उम्मती है, ना कोई पहाड़ी उम्मती है, उनके लिए एक पूरी उम्मत है। ये सिर्फ सियासत के लिए लोगों का इस्तेमाल होता है। अगर कहीं धर्म की पॉलिटिक्स की जाती है तो उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत का पैगाम याद रखें, धर्म पर भी पॉलिटिक्स ना होने दें। आपसे मेरी गुजारिश है, कुछ लोग आपको खरीदने आएंगे, खुदारा वोट अल्लाह को आपकी गवाही है, इस वोट को मत बेचें। अपने आने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल को मत भेजें। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल उस शख्स के लिए करें जो अपनी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी मानता है, जो कास्टिज्म को प्रायोरिटी नहीं मानता। कास्टिज्म को अगर आप अब खत्म नहीं करेंगे तो याद रखिए, ये मुद्दे तो वहीं रह जाएंगे, फिर एक मर्तबा ये जात का टिक्का आगे आ जाएगा और आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाला मुस्तकबिल जो हमारे इस जम्मू कश्मीर का है और मेंडर का है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरे यही पैगाम है इस माध्यम से कि आप लोग जो है हक, सच और जो अच्छे लोग हैं, विजन के साथ हैं, क्योंकि आप हर किसी का किरदार जानते हैं, आपको पता है कौन कैसा है, किसने समाज के लिए क्या किया, किसने समाज के लिए क्या कर सकता है। इसलिए इस नाचीज की आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो अच्छे लोग हैं उन्हें सामने लाएं, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी समझें, कास्टिज्म को प्रायोरिटी ना समझें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।